हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्री की कंप्लीट स्टडी एनालिसिस करेंगे। लाइव मार्केट में रिलायंस ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया रहा है और इस बॉटम से क्या देखना चाहिए, तेजी की एनालिसिस की जा सकती है या और भी मंदी आ सकती है उसकी। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरा इस वीडियो में आप मेरा व्यू वॉच कर रहे हैं, ये ओनली फॉर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज़ से बनाया जा रहा है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो हमारी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर ट्रेड करे। एज फॉर गैंट टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे रिलायंस का प्राइस वाइज बॉटम बन रहा है, कैसे बन रहा है उसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो ये और अच्छा खासा प्राइस पे आ गया है। कल भी मैं इस वीडियो में बनाने वाला था लेकिन बना नहीं पाया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस हमने किया था उसमें। रिलायंस इंडस्ट्री की जो टॉप बना था रिसेंट लगभग, हाँ, इस टॉप के बेसिस पे जो डाउनसाइड के टारगेटेड थे 13 मई तक इसका बॉटम बन जाएगा। तो ये बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन करेगा 13 मई तक, लेकिन प्राइस वाइज इसका टारगेट था 1280 और 1248 रुपये, 1248। और इसका जो रिसेंट टॉप बना था, रिसेंट टॉप लगभग थोड़ा सा 18 रुपये ऊपर, 10 रुपये ऊपर बना था। तो इस टॉप को अगर शिफ्ट करते हैं तो लगभग एग्जैक्ट आज का जो प्राइस है ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसे स्टॉक में तेजी आने वाली है तो। और कौन से प्राइस से तेजी आएगी, तो एज फॉर वोलेटिलिटी कैलकुलेशन के बेसिस पे ये स्टॉक, इसने नीचे के लेवल को ब्रेक किया, 1260 1258 का लो बनाया है, ये स्टॉक दोबारा से रिवर्स करता है 1285 के ऊपर तो इस स्टॉक में तेजी आ जाएगी। तेजी जो आएगी फिर से एक करेक्शन आएगा, क्योंकि 13 मई टाइम वाइज 13 मई बाकी है, इसलिए इस स्टॉक में एक बाउंस देखा जाएगा और फिर ये डबल बॉटम बना करके फिर से इस स्टॉक में अच्छा खासा तेजी आने के चांसेज है। एज पर गैन एंगल एनालिसिस इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश किए हैं कि डाउन साइड का जो टारगेट था ऑलमोस्ट 1270 रुपये, और रिसेंट लो के बेसिस पे इस स्टॉक का जो टारगेट था ऑलरेडी 1260 रुपये, ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ये 1278 रुपये और 1243 रुपये के आसपास, वर्स्ट के सिनेरियो में 1243 रुपीज़ जो जाना नहीं चाहिए, और 1280 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इस स्टॉक में अच्छा खासा तेजी आ जाएगी। तो गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे इस स्टॉक का प्राइस वाइज बॉटम बन गया है। शॉर्ट टर्म एक रिलीफ रैली आएगी, फिर से इसमें एक फाइनल बॉटम बनेगा नियर अबाउट इसी के आसपास। अगर किसी भी कारणवश वीकली क्लोजिंग 1260 के नीचे हो जाता है तो ये स्टॉक और भी ख़राब होने के चांसेज है। तो यहाँ कुल मिलाकर के खराब नहीं होना चाहिए और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढा जा सकता है। तो जो भी मेरा इस वीडियो के माध्यम से व्यू है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस है। ट्रेड करने से पहले जरूर स्टडी एनालिसिस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के, बाय।